बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है पार्शियल फ्रैक्शंस टाइप टू को। सिविल फर्स्ट ईयर के लिए एक्सरसाइज 4.2 है, मींस कोड 113, और इलेक्ट्रिकल की ये एक्सरसाइज 9.2 है, यानी जिनका कोड 123 है। पार्शियल फ्रैक्शंस की सेकंड एक्सरसाइज टाइप टू, फैक्टर्स in the denominator are all linear but some are repeated. अब इसका क्या मीनिंग है? जब आपके पास कोई भी फ्रैक्शन आ जाए पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के लिए, तो आपने सबसे पहला काम यही करना है कि आपने ये चेक करना है कि ये प्रॉपर है या नहीं। अब आप ये देखें कि यहाँ पर क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पर x जब आप ओपन करेंगे तो स्केयर बनेगा, और जब x स्केयर x से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, तो मैक्सिमम इसकी पावर 3 बनती है, तो डिग्री 3 हो गई। न्यूमिनेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से, इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन इज प्रॉपर। सो प्रॉपर फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस बन सकते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए हमने टाइप 1 में ये पढ़ा था कि हर फैक्टर के अंदर भी डिग्री 1 हो और होल पावर भी 1 होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि ब्रैकेट के अंदर हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसका मतलब होता है लीनियर, और जब हम कहते हैं कि बाहर पावर 1 हो, तो इसका मतलब होता है वो नॉन रिपीटेड होते हैं। यहां लिखा हुआ है रिपीटेड, अब इसका क्या मीनिंग है? आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले यही देखना है फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह कि डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होने चाहिए। अब हम एक एक फैक्टर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है x माइनस 2 की पावर 2। अब आपने देखना है कि x ब्रैकेट के अंदर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, क्योंकि यहां पर x माइनस 2 है, यानी x की हाईएस्ट पावर 1 है, इट मींस कि ये फैक्टर लीनियर है। दूसरी चीज, इसकी आपने होल पावर देखनी है। ये जो फैक्टर की होल पावर है 2, इसका मीनिंग ये है किसी भी नंबर के स्केयर का मतलब होता है वो दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली। तो देखें कि x माइनस 2 स्केयर मींस वो दो दफा आ रहा है, तो रिपीट हो रहा है। सो हम इसे कहते हैं ये रेपिटिशन है। रिपीट होने का मतलब ये है कि होल पावर 1 ना हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। सो क्योंकि इसके अंदर लीनियर ही है, अंदर डिग्री 1 ही है, लेकिन बाहर की पावर 1 से ज्यादा है, जैसे 2 आ गई है, रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये वाला फैक्टर टाइप 2 से बिलोंग करता है। फिर दूसरे फैक्टर को देखते हैं। दूसरा फैक्टर है x प्लस 1। अगर आप फैक्टर के अंदर देखते हैं तो x की पावर क्योंकि 1 है, इसका मतलब है कि ये लीनियर है, और जब आप फैक्टर की होल पावर देखते हैं तो कुछ ना लिखे होने का मतलब 1 है, और जब 1 है इसका मतलब है कि ये रिपीट नहीं हो रही। तो टाइप ये वाला आपके पास हो गया टाइप 2, और ये हमारे पास हो गया टाइप 1। हमने टाइप 1 में कहा था कि अंदर भी पावर 1 होगी और बाहर भी होल पावर 1 होगी। तो जो टाइप 1 का होगा उसके पार्शियल फ्रैक्शंस 1 के मुताबिक बनेंगे, जो 2 का होगा उसके 2 के मुताबिक बनेंगे। सो ये हमने चेक कर लिया कि ये हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ पार्ट डिनोमिनेटर का टाइप 2 से रिलेटेड है, कुछ टाइप 1 से, तो किसी और टाइप में ये फॉल नहीं कर रहा। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं, आपको बताती हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनाने हैं। इसको रेस कर देती हूँ, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो मैंने लिखा हुआ है। अब ये मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, जब आपने पेपर में क्वेश्चन करना है तो आपको इस तरह से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को प्रॉपर कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जरूर लिख लिया करें कि प्रॉपर है, इससे आपको याद रहेगा कि हमने प्रॉपर चेक करना है। ओके जी, पार्शियल फ्रैक्शन इसके स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ ये लिखा है, वैसे तो सामने से ही हो जाते हैं, लेकिन मैंने इधर डिग्री लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 का होल स्केयर x प्लस 1। जो फैक्टर रिपीटेड है उसको आपने a से स्टार्ट लेना है, जैसे आप जिस भी लेटर से स्टार्ट ले रहे हैं, आपने सबसे पहले उस फैक्टर की 1 पावर लेनी है, यानी आपने फैक्टर विद 1 पावर लिया,
उसके बाद नेक्स्ट कांस्टेंट में आपने उसकी पावर 2 लेनी है, यानी अगर 2 पावर होगी तो पहले 1 लेंगे फिर 2 लेंगे, अगर 3 पावर होगी तो 1, 2, 3, यानी एक एक नंबर आपने उसकी पावर बढ़ानी है और कहाँ तक जाना है जो उसकी टोटल पावर है। तो आपने एक कांस्टेंट के नीचे इसकी 1 पावर लिखी, दूसरे कांस्टेंट के नीचे 2 पावर लिखी, 3 होता तो फिर मैं सी ओवर क्यूब लिख देती एंड सो ऑन। ये वाला फैक्टर क्योंकि हमारा टाइप 1 से रिलेटेड है, तो टाइप 1 में तो हमने कहा था कि एक ही कांस्टेंट होता है जिसके नीचे फैक्टर लिखा जाता है। ये आपको समझाने के लिए बताया कि होल पावर 1 है, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। जब आप इसको खाली यूं लिखेंगे इसका मतलब यही है कि इसकी पावर 1 है। बस ये पार्शियल फ्रैक्शन का स्टार्ट डिफरेंट है, फिर आगे कुछ स्टेप्स तो उसी तरह से हैं। यानी हम इसके बाद क्या करते हैं, हम जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं उनके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या, वो देखते हैं राइट साइड को, राइट में जितने नीचे फैक्टर्स लिखे हैं सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, आप गौर करें, राइट साइड पे x प्लस 1 है, लेफ्ट पे है, राइट पे x माइनस 2 का स्क्वायर है, लेफ्ट पे है, लेकिन यहाँ x माइनस 2 एक एक्स्ट्रा है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर इसको भी ले लेंगे इसको भी 3 बन जाएंगे जबकि 2 है। सो बी केयरफुल, आपने अपने जो क्वेश्चन है, एक जो आपको फ्रैक्शन गिवन है उसके डिनोमिनेटर को लेना है और उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। अब हम लिखेंगे x माइनस 2 का स्क्वायर x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर x प्लस 1। इसी तरह से यही दो लेंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर x प्लस 1 a ओवर x माइनस 2। ठीक है, मेरे पास आगे स्पेस कम है, मैं नीचे ही कंटिन्यू कर रही हूँ। फिर आपने x माइनस 2 का स्क्वायर x प्लस 1 लिखना है b ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर के साथ। फिर आपने लिखना है x माइनस 2 होल स्क्वायर x प्लस 1 c ओवर x प्लस 1 के साथ। मैं पहले की तरह इसको 1 का नाम दे रही हूँ। ओके, लेफ्ट साइड पे तो हमेशा ये कैंसिल होते हैं क्योंकि हमने इनसे मल्टीप्लाई किया होता है। ये x माइनस 2 है, ये एक कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद x प्लस 4, राइट साइड पे हमारे पास है x माइनस 2 x प्लस 1 विद a, x प्लस 1 विद b एंड x माइनस 2 का स्क्वायर विद c। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अच्छा, अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाने के बाद वही काम करना है जो हम पहले करते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं a के नीचे से और फैक्टर्स को 1 by 1 जीरो लेते जाते हैं और x की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। लेट x माइनस 2 इक्वल 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। ये बन जाएगा 2 प्लस 4, यहाँ से x को पुट करेंगे 2 माइनस 2, यहाँ से पुट करेंगे 2 प्लस 1 a, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 1 b और यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर c। अच्छा, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ये देखा था कि जब हम a के नीचे से फैक्टर ले रहे होते हैं तो a ही फाइंड होता है, जब हम b से फैक्टर लेते हैं तो b की वैल्यू आती है, जब हम c से लेते हैं तो c की वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। सो अब आपने उस चीज़ को माइंड से निकाल देना है, वो सिर्फ हमारी टाइप 1 के लिए थी, टाइप 2 में आपने खुद केयरफुली देखना है। तीनों में से कैलकुलेट एक ही होगा, लेकिन अब आपको वो देखना होगा कि वो कौन सा हो रहा है। 6 आ जाएगा। अब 2 माइनस 2 0 है, तो जहां आपके पास एक भी चीज 0 आ गई मल्टीप्लीकेशन में वो सारा 0 हो गया। 2 प्लस 1 3 है b, और फिर 2 माइनस 2 0 है, 0 c हो गया, तो ये रह गया 6 इज इक्वल टू 3b। 3 को डिवाइड कर देंगे 6 ओवर 3, ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, 3 2 जा 6 है तो 2 इज इक्वल टू बी आ जाएगा। ये हमने एक कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया। आगे चलते हैं। अब आप अगर देखें b के नीचे, तो b के नीचे सेम वही फैक्टर लिखा हुआ है जो a के नीचे था, सिर्फ होल पावर का फर्क है। अगर आप इसको लेंगे तो भी आपके पास x की वैल्यू 2 ही कैलकुलेट होगी, इसलिए जो सेम फैक्टर्स हैं चाहे होल पावर डिफरेंट है उनको आपने एक ही दफा लेना है। x माइनस 2 ले चुके, इसको स्किप करें, अब आप x प्लस 1 लेंगे। लेट x प्लस 1 इक्वल 0, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1
अगेन इक्वेशन नंबर टू में पुट करना है. माइनस वन प्लस फोर, माइनस वन माइनस टू, माइनस वन प्लस वन. मैं इक्वेशन नंबर टू में पुट कर रही हूँ ये. ए एक्स की जगह माइनस वन प्लस वन, बी और एक्स की जगह माइनस वन होगा, माइनस टू होल स्क्वायर सी. फोर में से वन माइनस करेंगे थ्री आ जाएगा. अगेन माइनस वन प्लस वन जीरो होता है, ये सारा जीरो हो गया. माइनस वन प्लस वन जीरो होता है, ये सारा जीरो हो गया. माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री होता है, तो माइनस थ्री का स्केयर आ गया. माइनस थ्री का स्केयर नाइन, नाइन को डिवाइड कर दें, वन ओवर थ्री इक्वल सी. ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई. आप अगर अब गौर करें तो हम फैक्टर्स तो सारे ले चुके हैं. हमारे पास कांस्टेंट तीन थे लेकिन फैक्टर्स दो ही थे डिफरेंट, क्योंकि ये दोनों सेम है. तो दो हमारे पास कांस्टेंट्स कैलकुलेट हुए हैं, बी और सी. ए रह गए. सो ए को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि फैक्टर्स खत्म हो गए हैं, तो जब आपके पास फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे फिर आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स का काम करेंगे. सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ये जो मैंने लिखा है, उसके बाद फिर मैं आगे इसकी वर्किंग करती हूँ. अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी कैपिटल ए को फाइंड आउट करना है. ओके जी, इसके बाद देखते हैं. मैं यहाँ से रेस कर रही हूँ, क्वेश्चन चले लिखा रहे. हमने करना ये है ए कैलकुलेट करने के लिए कि ये जो हमारी इक्वेशन नंबर टू है इसको कंसिडर करना है. ये जो टू बनाई थी, टू इक्वेशन मैं ले रही हूँ. एक्स प्लस फोर इक्वल्स एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन ए, एक्स प्लस वन बी, एक्स माइनस टू स्केयर सी. सो इक्वेशन नंबर टू को मैंने कंसिडर कर लिया है, बाकी सब मैं हटा देती हूँ. बी और सी को रहने देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत होगी. ओके, आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर टू को लेकर अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई मीन्स आपने इसको पूरे को ओपन करना है. पहले तो पहले पूरा ओपन करना है, जो भी प्लस माइनस हो रहा हो वो काम करना है. इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्केयर आ जाएगा, एक्स को वन के साथ करेंगे, माइनस टू को एक्स के साथ करेंगे, माइनस टू को वन के साथ करेंगे, बी को एक्स के साथ, बी को वन के साथ. स्केयर का फॉर्मूला ओपन करें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी. एक्स प्लस फोर एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस टू कैपिटल ए, बी एक्स प्लस बी. सी को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, हमें टोटली ओपन कर देना है. प्लस फोर सी माइनस फोर सी एक्स, एक्स प्लस फोर. अब आप ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ए एक्स स्केयर माइनस ए एक्स माइनस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्केयर प्लस फोर सी माइनस फोर सी एक्स. अच्छा, इसके बाद आपने इक्वेशन को अरेंजमेंट के साथ लिखना होता है. अरेंज कैसे करना है, पावर्स के अकॉर्डिंगली. जैसे सबसे बड़ी पावर एक्स की टू है, तो सबसे पहले आपने एक्स की पावर टू वाली टर्म्स लिखनी है, जैसे ए एक्स स्केयर है और सी एक्स स्केयर है. उसके बाद आपने एक्स वाली टर्म्स को लिखना है. अब एक्स वाली टर्म में हमारे पास है माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस फोर सी एक्स, ये लास्ट से लिया मैंने. उसके बाद जिनमें x नहीं है यानी कांस्टेंट वाली, माइनस टू ए प्लस बी प्लस फोर सी. अब आपने लिखना है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ. समटाइम्स हमें एक कोफिशिएंट की जरूरत पड़ती है कंपैरिजन की, समटाइम्स दो की, तीन की, चार की, अकॉर्डिंग टू कि हमें कितने कांस्टेंट्स अभी फाइंड करने हैं. B और C हमारे पास पहले से आ चुके हैं, हमें सिर्फ A चाहिए, इसलिए एक कंपैरिजन होगा. आप देखेंगे कि सबसे पहले X की सबसे बड़ी पावर कौन सी है पूरी इक्वेशन में, तो वो हमें 2 नज़र आ रही है, तो हम एक्स स्केयर को कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे. तो आपने एक्स स्केयर लिखना है, आगे कॉलन डाल देना है इस तरह से दो डॉट्स, ठीक है. उसके आगे कंपैरिजन, सबसे बड़ी पावर 2 थी. अब आप लेफ्ट साइड पे देखें, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्केयर की कोई टर्म मौजूद नहीं है इसलिए जीरो लिखेंगे,
इक्वल डालेंगे, फिर राइट साइड पे x स्क्वायर की जितनी टर्म्स हैं उनके कोफिशेंट्स लिखेंगे। x स्क्वायर के साथ a है कोफिशेंट x स्क्वायर का, x स्क्वायर के साथ प्लस c है कोफिशेंट x स्क्वायर का, इस तरह से लिखना है आपने, यानी आपने x स्क्वायर को नहीं लिखना, जस्ट कोफिशेंट्स को, जो भी बीच में साइन है उससे पहले बस वो साइन आ जाएगा, और कोई x स्क्वायर की टर्म नहीं है। अब आप देखें कि आपके पास c पहले से मौजूद है 1/3, इसमें आप c की वैल्यू पुट कर दें 1/3, तो 1/3 उधर ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे पास कैपिटल a की वैल्यू आ गई। तीन कॉन्स्टेंट्स थे ए बी सी, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक और कॉन्स्टेंट होता, उसकी वैल्यू आपको चाहिए होती, आप अगला कंपेरिजन करते, पहले आपने एक्स स्क्वायर का किया, फिर आप एक्स का कंपेरिजन कर लें, फिर आप कॉन्स्टेंट्स का कर लें, ठीक है। अब लास्टली आपने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको पुट कर देना है, एक्स प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 1, ए की वैल्यू है माइनस 1 ओवर 3 एक्स माइनस 2, मैं डायरेक्ट बस पार्शियल फ्रैक्शन में पुट कर रही हूँ। बी की वैल्यू हमारे पास है 2 ओवर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, सी की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर 3 एक्स प्लस 1, ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस बन गए हैं और ये आंसर है। सो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाया, आपने अब इसी तरह से बाकी पार्ट्स को ट्राई करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद एक्सप्लेनेशन होगी। थैंक यू सो मच।